वाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं घूमने के लिए और यहाँ आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फूल खिले हैं और इन फूलों को खा रहे हैं। गाइज, आप देख सकते हैं आज है फूल दही छम्मा दही में त्यौहार में फूलों को एक दूसरे के घर में जाके दही में डालते हैं और आपस में प्यार बांटते हैं। तो देख के फूल दही छम्मा दही जीत को दिया उद के सर ये फूल दही छमा से की बहुत बहुत बधाइयाँ और बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ प्यार। तो सभी लोग आप बड़े आनंद और उल्लास से इस त्यौहार को मनाइए जो हमारा पारंपरिक त्यौहार है, वर्षों से मनाया जा रहा है, हमने खुद मनाया है। तो आज हम देखते हैं कि बच्चे इसको कैसे मना रहे हैं। तो हमारे साथ भी 2 बच्चे हैं और जो आज फूल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये 2 बच्चे हैं, अभी ये जा रहे हैं फूल कलेक्ट करने के लिए। कुछ लाए नहीं है तो ले जाएंगे इसमें नजदीक कहाँ से सौरभ सूखे वाले में रखना वहाँ। तो यहाँ पर सौरभ चल गया है बुरांस के पेड़ पे और सौरभ ने एक पहला फूल तोड़ दिया है फूल दही छम्मा छाई के लिए। तो गाइस, ये देखिए पेड़ पूरा फूल से लग चुका है। ये है बुरांस का फूल। फूल दे छम्मा दे एक ऐसे बेली बेजर में फूल दे छम्मा छई जादू का देला उद का सही। तो गाइस, अभी हम लोग जंगल वॉक में भी जा रहे हैं और यहाँ से इस जंगल के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। देखिए काफी घना जंगल है यहाँ पे, बाघ और जंगलेश्वर आसपास रहते हैं। तो बंदो आराम से आ रहा है और कभी भी यहाँ पर बाघ आ सकता है, हाथी भी, सुअर भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस, अभी हम बहुत घने जंगलों के अंदर चले गए हैं तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कितना घना जंगल है, ये देखिए पूरा देवदार के पेड़ है यहाँ पर। ये कहाँ पर, तो अक्सर यहाँ पर चिड़ियाओं की और बाघों की आवाज आती है। तो गाइस, ये देखिए काफी खूबसूरत जगह पे हम वॉक कर रहे हैं। इनको काट सकते हैं फिर? हाँ हाँ, काट सकते हैं। सूखे वालों को हाँ आओगे तो बांस के ही चाहिए ना। गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट वाले रास्ते पे। यहाँ से 0 पॉइंट है 2 किलोमीटर की दूरी पे और इस तरफ को रोड है, मेन रोड पे जाएंगे और नीचे जो है कोर जोन का एरिया है और यहीं से नीचे गांव के लिए रास्ता जाता है। तो भाई चलते चलते बहुत थक गए हैं, सांस भी फूल गई है। हैं चलो अभी तो नहीं थकेगा तो गाइज, और ये नीचे मेन रोड के लिए रास्ता जा रहा है और हम आए हैं इस रोड से। तो यहाँ बहुत सारे ट्रैक हैं विंसर में जहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ है और पूरी तरह से फूलों से लदा हुआ है और चिड़ियाँ देखिए ना, इतनी चिड़ियाँ आ रखी है। तो यहाँ पर पूरे बुरांस के ही पेड़ हैं और आसपास हिमालयन व्यू की बात की जाए तो आज लगे हुए हैं बादल, पूरा कोहरा लगा हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
और गाइस जो जो सुसाइड करना चाहते हैं वैसे कूद मार के कुछ नहीं होगा, खाली हॉस्पिटल भी जाएंगे। बहुत ही हो रखे है, और देखिए नीचे वैली में पूरा कोहरा लगाया है, सौरभ ने तोड़ दिया है पूरा इसका एक फूल, और फूल दे छमाछे के लिए बहुत है भाई। हेलो, नहीं नहीं सबू क्या है, हमारे कमरे में डाल देना है एक। हमारा घर भी यही हुआ है ललाड़ में, तो देखा ही देखिए काफी खूबसूरत है आसपास से। ये देखो कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है। हाँ इसमें फूल में शहद भी बहुत होता है ना, कपड़े गंदे हो जाते हैं। चले गया रे वहाँ।